लक्ष्य कठिन हो तो पाने में मजा आता है, हिम्मत की हद से गुजर जाने में मजा आता है। समंदर की अथाह गहराई पसंद है मुझे और आसमान की अनंत ऊंचाई पसंद है मुझे। समयबद्धता के साथ जीत जाने में मजा आता है। थैंक यू। ध्येय या लक्ष्य निर्धारित करना। एक बार मैं एक बहुत अच्छे बिजनेस टाइकून के साथ बैठा हुआ था। मैंने उनसे पूछा कि सर मुझे ये बताएं, आप अपने जीवन में बहुत नीचे से शुरू हुए, बहुत छोटे स्तर से शुरू हुए और आप आज इतने बड़े स्तर तक पहुंच गए, इसके पीछे का सिद्धांत क्या है? कुछ ऐसे लॉजिकल फार्मूलाज मुझे बताएं जिनको मैं अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करूं तो शायद मैं भी ट्रांसफॉर्मेशन कर सकता हूं। तो उन्होंने कहा टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, और दूसरा उन्होंने कहा ध्येय और लक्ष्य निर्धारित करो। अपने ध्येय और लक्ष्य निर्धारित करो, वही ये डिसाइड करेंगे कि आपका माइंड कैसे काम करेगा। कि जो हमारा माइंड है ये केवल उतना ही करता है, इतना ही काम करने की प्रेरणा हमारे शरीर को देता है जितना हमने उससे सोचा होता है। एक तरह से हमारा जो दिमाग होता है वो आलसी के रूप में काम करता है, उसको जितनी कमांड हम देते हैं वो केवल उतनी ही कमांड पर काम करता है और ये प्रयास करता है कि उसमें से कुछ कमांड को मैं घटा दूं। वो प्रयास करता है कि उनमें से कुछ कमांड को मैं घटा दूं। फॉर एग्जाम्पल, आप में से कुछ लोग रोहिणी से आए होंगे, कुछ पीतमपुरा से आए होंगे, कुछ साउथ दिल्ली से आए होंगे, कोई नॉर्थ दिल्ली से आया होगा, कोई उत्तराखंड से आया होगा, कोई पंजाब, राजस्थान और बिहार से आया होगा। फ्रेंड्स, जो व्यक्ति जितने दूर से आया होगा उतने बड़े डिस्टेंस की कमांड अपने माइंड को दी होगी कि उत्तराखंड से चलने के बाद उनकी डेस्टिनेशन क्या होगी, उनका लक्ष्य क्या होगा, उनका ध्येय क्या होगा, उनका गंतव्य स्थान क्या होगा। ध्यान रखिएगा, आप कभी भी अपने माइंड को दी हुई कमांड से आगे नहीं पहुंच सकते। तो माइंड की कैपेसिटी के बारे में आपको बताता हूं। नेविगेशन एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहां पर जब आप नेविगेशन ऑन करते हैं तो एक सेंट्रल पॉइंट आता है और एक ब्लू रिंग खुलती है और वो ब्लू रिंग ऐसे घूमती है 360 डिग्री में। यस और नो? यस और नो? गूगल का जब प्रयोग करते हैं या नेविगेशन का प्रयोग करते हैं तो जिस लोकेशन पर आप होते हैं वहां एक ब्लू पॉइंट आता है और 360 डिग्री रिंग ऐसे घूम रही होती है। इसका मतलब नेविगेशन को यह पता है कि आप कहां पर हैं, आपकी लोकेशन कहां पर है, लेकिन नेविगेशन को यह नहीं पता कि आपकी डेस्टिनेशन कहां पर है, इसीलिए वो आपके माइंड को 360 डिग्री घुमाता रहता है। यस और नो? नेविगेशन की बात कर रहा हूं। नेविगेशन पे जिस लोकेशन पर हैं वो पॉइंट आपको दिखाई देता है, पर कहां आपको जाना है जब तक आप ये निर्धारित नहीं करते तो वो आपको 360 डिग्री के पैरामीटर में घुमाता रहता है और आपसे पूछता रहता है शेयर योर डेस्टिनेशन, शेयर योर डेस्टिनेशन। और जैसे ही आप उसमें डेस्टिनेशन फीड करते हैं वो 360 डिग्री निपट के बंद होके एक सर्कल पॉइंट से उस पॉइंट तक आ जाता है जहां पर आप पहुंचना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम रोहिणी में हैं और यहां मैं लिखता हूं डिफेंस कॉलोनी, तो मुझे रूट दिखाएगा कि डिफेंस कॉलोनी के लिए यहां से बाहर निकलिए, मधुबन चौक पर जाइए, मधुबन चौक से एनएसपी जाइए, एनएसपी से पंजाबी बाग, पंजाबी बाग से दौलाकुआ, दौलाकुआ से डिफेंस कॉलोनी। यस और नो? अगर मैं चाहूं तो मुझे दूसरा रूट भी बता सकता है कि मैं मधुबन चौक से एनएसपी ना जाकर अगर मधुबन चौक से जनकपुरी जाता हूं तो रूट क्या होगा, वो मुझे दूसरा रूट बताएगा। ठीक यही सिद्धांत हमारे माइंड के साथ काम करता है। ब्रह्मांड पे जितने भी टूल्स, इक्विपमेंट एंड फैसिलिटीज उत्पन्न हुई हैं वो केवल और केवल ब्रह्मांड की संरचना के आधार पर हुई है। माइंड भी ठीक ऐसे ही काम करता है। आज आप कहाँ हैं ये आपका दिमाग आपको बता देता है, और जैसे ही आप निर्धारित करते हैं कि मुझे भविष्य में कहाँ पहुँचना है, वो एक नेविगेशन के रूप में आपको सारा का सारा रूट बता देता है कि उस स्थान पर पहुँचने के लिए आप किस रूट को ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कुछ लोग रोहिणी में होंगे, कुछ लोग पीतमपुरा में होंगे, जो उत्तराखंड से यहाँ पर आए हैं उनके नेविगेशन, उनके माइंड ने क्या बताया कि मुझे ट्रेन पकड़नी है, ISBT मुझे ट्रेन पकड़नी है और दिल्ली पहुँचना है, वहाँ से बस पकड़नी है, कैब पकड़नी है और ऑडिटोरियम पहुँचना है। ठीक उसी तरीके से जीवन में सफलता के सिद्धांत भी यही बताते हैं कि आप कैसा लक्ष्य और ध्येय निर्धारित करते हैं। ध्येय निर्धारित करना आपके हाथ में है। ध्यान रखिएगा, एक सर्वे हुआ और सर्वे का जो आंकड़ा मैं आपको बताने जा रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि इस ब्रह्मांड पे 3% लोगों के पास अनगिनत संपत्ति है। अनगिनत संपत्ति का मतलब इतना पैसा कि वो गिनने लग जाए ना तो वो टोटल गिन नहीं बता पाएंगे। अथाह पैसा है। हमें से हर व्यक्ति अपनी लिक्विडिटी को या कैश को कैलकुलेट कर सकता है,
लेकिन ऐसे भी लोग हैं कि वो कैश भी कैलकुलेट करेंगे ना तो कैलकुलेट एक्यूरेट नहीं आएगा। आप बता सकते हैं कि आपकी जेब में 10,732.50 रुपये हैं, मैं बता सकता हूँ मेरी जेब में 15,222 रुपये हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी पूरी की पूरी लिक्विडिटी को काउंट भी करें ना तब भी वो ये नहीं बता पाएंगे उनके पास कितनी लिक्विडिटी है। लेकिन ऐसे लोगों का प्रतिशत इस ब्रह्मांड पे केवल 3% है, केवल 3% लोग ऐसे जिनके पास अनगिनत संपत्ति है। 10% लोगों के पास बहुत संपत्ति है। बहुत संपत्ति का मतलब है जितना वो चाहते हैं, जैसे वो चाहते हैं वो खरीद सकते हैं, जो भी चीज़ वो लेना चाहते हैं ले सकते हैं। इतनी संपत्ति है किसी चीज़ को लेने या ना लेने के लिए उनको सोचना नहीं पड़ता, वो डिसाइड करते हैं और वो चीज़ कंप्लीट कर लेते हैं। 60% लोगों के पास कम संपत्ति है और ये हमारे देश का भी सबसे बड़ा आंकड़ा है। 60% लोग वो हैं जिनके पास हर बार अपनी संपत्ति में से ऑप्शंस चूज करनी पड़ती हैं कि ये नहीं तो ये, ये नहीं तो ये, या इसकी जगह क्या। फॉर एग्जाम्पल वो सोचेगा लैपटॉप खरीदूं या मोबाइल खरीदूं। अगर लैपटॉप खरीद लिया तो मोबाइल नहीं खरीद पाऊंगा, मोबाइल खरीदा तो मैं लैपटॉप नहीं खरीद पाऊंगा। वो हमेशा अपनी संपत्ति के बीच में असमंजस्य में रहते हैं कि क्या करें और क्या ना करें, मतलब किस ऑप्शन को पकड़ें और किस ऑप्शन को छोड़ दें। जबकि 27% लोग ऐसे हैं जिनके पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है। वो लोग जिनके पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है मतलब वो लोगों के जीवन में कोई लक्ष्य नहीं है। इसके पीछे जब रिसर्च का आंकड़ा आया तो वो ये था कि 3% लोगों के पास अनगिनत संपत्ति इसलिए है क्योंकि उनके जीवन में उनके ध्येय और लक्ष्य लिखित हैं, बड़े हैं और समयबद्धता के साथ हैं। ध्यान रखिएगा, लक्ष्य बनाना बहुत आसान होता है कि मेरा लक्ष्य है कि इस बार मैं जिम ज्वाइन करूंगा और एक्सरसाइज करूंगा और अपना पेट साइज रिड्यूस करूंगा। कितने लोग ऐसा कई बार सोचते हैं? ग्रेट। अच्छा, कितने लोग ऐसा सोचते हैं कि मंडे से जिम ज्वाइन करूंगा संडे आराम से रिलैक्स करने के बाद? ग्रेट, फाइन। तो ये बड़ी प्रॉब्लम है। दूसरा है 10% लोगों के पास बहुत संपत्ति है क्योंकि उनके लक्ष्य बिल्कुल स्पष्ट है, बिल्कुल क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर। उनको पता है लाइफ में क्या करना है, उनको पता है कि कब एक नई फैक्ट्री लगानी है, उन्हें पता है कब एक नई बिल्डिंग लेनी है, कब नया इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना है, कब अपनी फैक्ट्री को एक्सपेंड करना है, कब नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है, कब अपनी लाइफ को कहां ले जाना है और किस साल में कौन से महीने में किस दिन को मुझे कहां कहां जाना है। उनके लक्ष्य स्पष्ट है लेकिन बहुत बड़े नहीं है। मतलब उन्हें कहे कि नहीं इतना क्या करना है यार, 4-5 गाड़ियां हो जाए, 2-4 मकान हो जाए, 4-5 फैक्ट्री हो जाए। बड़े लक्ष्य हैं लेकिन इतने बड़े नहीं है कि जितने बड़े में वो 3% में आ जाए। कुछ लोगों के पास जो 60% लोग हैं उनके पास कम संपत्ति इसलिए है क्योंकि उनके ध्येय या उनके लक्ष्य अस्पष्ट हैं, क्लियर नहीं है। जैसे बिजनेस करना है, बढ़ाने का प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे अगले साल तक फैक्ट्री थोड़ी बड़ी कर लें, अगर नहीं हो पाई तो उससे अगले साल कर लेंगे, फाइन। मतलब उनके जो ध्येय और लक्ष्य हैं वो डिफाइंड नहीं है, क्लियर नहीं है, वो हमेशा उसको पोस्टपोन करते रहते हैं। जैसे जिम ज्वाइन करना है, या तो मंडे से कर लूंगा, नहीं तो 1 तारीख से कर लूंगा, नहीं तो 1 जनवरी करूंगा, फाइन। मतलब डिफाइंड और स्पष्ट नहीं है। तो ये जीवन की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और 27% लोगों के पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है क्योंकि वो हमेशा अपने जीवन में क्या चाहते हैं उनको कुछ नहीं पता। वो सुबह उठते हैं केवल दोपहर के भोजन के लिए काम करते हैं और वो मजदूर से नीचे क्वालिटी के लोग आते हैं। उनके जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है, कोई ध्येय नहीं है, कोई उनका टारगेट नहीं है। वो रोजाना जब उठते हैं तो अपने पहले प्राइमरी रिसोर्स को पूरा करने पर काम करते हैं। मतलब उनका उद्देश्य होता है कि सबसे पहले मुझे दोपहर का भोजन कमाना है, दोपहर का भोजन कमाने के बाद शाम का भोजन कमाना है। और गलती से यदि किसी दिन उन्हें थोड़े से भी एक्स्ट्रा पैसे कमा लिए तो वो किंग बन जाते हैं और उसको खत्म कर देते हैं। वरना ध्यान कर लीजिए, आपके घर में काम वाली बाई होगी, जिस दिन उसको तनख्वाह मिलती है उसके नेक्स्ट डे वो छुट्टी कर लेती है। आपका गार्ड जिस दिन उसको सैलरी मिलती है वो कोशिश करता है अगले दिन लेट आता है। मतलब लोग हमेशा बिना किसी लक्ष्य और ध्येय के होते हैं, इसीलिए वो जीवन में सफलता हासिल नहीं करते।